जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 3 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी येवला जलगांव नेहरू एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। आर्मी, यहाँ पर आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल, एसएसबी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, बीआरओ, एमईएस, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी की यहाँ पर फिजिकल के साथ रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर स्पोर्ट्स भी सिखाए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सुबह 6:30 से लेकर के शाम को 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। शाम को फिर 8:30 से लेकर के 10:30 बजे तक दिन भर जितना भी आपको सिखाया उनकी रिवीजन क्लासेस भी चलती है। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, तो आपने तय करना है, आपने हताश होके बिखर जाना है या फिर संघर्ष करके निखर जाना है। इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ दोस्तों आज शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर। 30 मई 2021 को किस घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है? दोस्तों, ये जो है भारत का पहला घुड़सवार है। कौन? फवाद मिर्जा। दोस्तों, कौन है? फवाद मिर्जा। ये भारत का पहला घुड़सवार है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला घुड़सवार कौन है? दोस्तों, फवाद मिर्जा। अब वैसे अगर देखा जाए तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला ये थर्ड घुड़सवार है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला ये फर्स्ट घुड़सवार है। दोस्तों, अगर आप पूछोगे तो फर्स्ट ओलंपिक 1996 में दोस्तों क्वालिफाई किया था इंद्रजीत लांबा। किसने किया? दोस्तों, इंद्रजीत लांबा, इन्होंने क्वालिफाई किया था। इन सब के नाम आप ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट सेकंड किया था दोस्तों इम्तियाज। किसने? दोस्तों, इम्तियाज, इन्होंने क्वालिफाई किया था। ये था दोस्तों सिडनी ओलंपिक। कौन सा? सिडनी ओलंपिक था दोस्तों ये, और ये 2006 में का दोस्तों, कब? 2006 में क्वालिफाई किया था। और दोस्तों ओलंपिक के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं? पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ था? तो दोस्तों अभी सभी मैं आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बताता हूँ। फर्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। कहाँ पे? दोस्तों एथेंस में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? ग्रीस में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये दोस्तों कब हुआ था? 2016 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? रियो ब्राजील में हुआ था। देखो, फर्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में हुआ था एथेंस ग्रीस में। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों 2016 में हुआ, कहाँ पर हुआ? रियो ब्राजील में हुआ। नेक्स्ट आगे दोस्तों, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 2020 में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? ये टोक्यो में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? टोक्यो में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों ये 2020 में होना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से कैंसिल होके दोस्तों 2021 में होगा,
कहाँ पर होगा दोस्तों? ये टोकियो में होगा, पक्का दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो आप टैग कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का पेपर आएगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा दोस्तों? ये 2020 में होना था लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में होगा, और कहाँ पर होगा? टोक्यो में होगा। आगे चलते दोस्तों, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों ये कहाँ पर होगा दोस्तों? ये होगा 2024 में होगा दोस्तों, कहाँ पर? पेरिस में होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, थॉमस बॉक इनको सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने दिया गया दोस्तों। 2022 का विंटर ओलंपिक दोस्तों कहाँ पर होगा? 2022 का विंटर ओलंपिक दोस्तों कहाँ पर होगा? ये होगा बीजिंग चीन में होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा? बीजिंग चीन में 2022 का विंटर ओलंपिक होगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कहता है, भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया दोस्तों। तो ये जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय है। और दोस्तों इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, जैसे नेत्रा कुमनन पहली सेलर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया दोस्तों, उनका नाम क्या था? नेत्रा कुमनन ये सेलर दोस्तों, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट है तलवारबाजी में, कौन पहली तलवारबाजी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया था दोस्तों? उनका नाम है भवानी सिंह। क्या नाम दोस्तों? भवानी सिंह। नेक्स्ट है पहला पहलवान जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया दोस्तों, उनका नाम है विनेश फोगाट। ये देखो दोस्तों सभी आपके सामने, विनेश फोगाट पहलवान टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया, भवानी सिंह तलवारबाजी टोक्यो क्वालिफाई किया, नेत्रा कुमनन सेलर नाविक टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया, फवाद मिर्जा घुड़सवार। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन एक दोस्तों, इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो में। 31 मई 2021 को किसने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष पहले थे दोस्तों, ये कौन थे? उदय कोटक। कौन थे दोस्तों? उदय कोटक थे भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष। और ये भारतीय परिसंघ जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इनके जगह पर अभी कौन, किन्होंने पदभार संभाला दोस्तों? ये संभाला है टी.वी. नरेंद्रन। कौन दोस्तों? टी.वी. नरेंद्र इन्होंने पदभार संभाला है दोस्तों। और दोस्तों आगे आपको पता होना चाहिए सिडबी। कौन दोस्तों? सिडबी ये जो है दोस्तों, ये शिव.एस. रमन। हमारा इसका आंसर दोस्तों क्या है? टी.वी. नरेंद्रन। लेकिन जो शिव.एस. रमन है दोस्तों, एक इसके अध्यक्ष, ये है दोस्तों सिडबी के अध्यक्ष दोस्तों। किसके? सिडबी के अध्यक्ष है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? ये है लखनऊ में। कहाँ पर दोस्तों? ये सिडबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आगे चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम क्या है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा। कौन दोस्तों? दिनेश कुमार खारा जो दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। SBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में, SBI की स्थापना हुई थी। SBI का पहले नाम क्या दोस्तों? इम्पीरियल बैंक। SBI का पहले नाम था दोस्तों इम्पीरियल बैंक, SBI का पहले नाम था। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। किस समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है? शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 जून 2021 को इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? दोस्तों 11वें राष्ट्रपति के रूप में इजरायल ने इसाक हर्जोग, कौन दोस्तों, ये है इसाक हर्जोग, इन्हें चुना है इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। दोस्तों इजराइल के 10वें राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये थे रेवेन रिवलिन। कौन थे दोस्तों? रेवेन रिवलिन, ये 10वें राष्ट्रपति दोस्तों, और उनके जगह पे अभी कौन बन रहा है? 11वें राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनने जा रहे हैं? इसाक हर्जोग जो 11वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और रेवेन रिवलिन इन्होंने दोस्तों 7 वर्ष, कितने वर्ष दोस्तों? 7 वर्ष इन्होंने इस पदभार संभाला है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इजराइल के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है दोस्तों। और इजराइल के संसद को दोस्तों क्या कहा जाता है? इजराइल के संसद को दोस्तों कहा जाता है नेसेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेसेट इजराइल के संसद को कहा जाता है। और इजराइल का, इजराइल में प्रमुख धर्म दोस्तों यहूदी धर्म, कौन सा है दोस्तों? इजराइल का प्रमुख धर्म है यहूदी धर्म। और इसी यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? यहूदी धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है सिनेनॉग। क्या कहा जाता है? सिनेनॉग जो है यहूदी धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये WHO जो है, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों ये है डॉक्टर टेड्रोस। कौन दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस जो है WHO के अध्यक्ष हैं। और एक साल के लिए कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। एक साल के लिए कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अभी ये 2021 के लिए थे दोस्तों। कौन थे 2021 के लिए? डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों। कौन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है दोस्तों ये थे WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष दोस्तों। इनका एक वर्ष का कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो चुका है। कितने दिन कार्यकाल होता है इनका? एक वर्ष कार्यकाल होता है दोस्तों, ये समाप्त हो चुका है। इनके जगह पर अभी कौन आए दोस्तों? डॉक्टर पैट्रिक अमोद, इनको नियुक्त किया गया है WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष। और दोस्तों ये काके, ये है केनिया के, काके दोस्त केनिया के हैं। केनिया की कैपिटल दोस्तों नैरोबी, केनिया कैपिटल दोस्तों नैरोबी। दोस्तों इसी नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों आगे चलते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही दोस्तों ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था। ई सिगरेट पर दोस्तों किसने प्रतिबंध लगाया था? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रतिबंध लगाया था, इसलिए इनको ध्यान रखो दोस्तों। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय दोस्तों? एक तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय विज्ञान मंत्री दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय पृथ्वी मंत्री दोस्तों कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके पास तीन मंत्रालय का कार्यभार दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय विज्ञान मंत्री, केंद्रीय पृथ्वी मंत्री, कौन दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है दोस्तों।
और दोस्तों भारत में जो कोरोना का वेरिएंट पाया गया दोस्तों, उसके लिए भारत में उस वेरिएंट को क्या क्या नाम दिया गया दोस्तों। एक तो है दोस्तों B.1.617.2, इसका नाम क्या है दोस्तों, और दूसरा है B.1.617.1, इनका नाम क्या है दोस्तों। ये अलग अलग है दोस्तों, इनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है .2 दोस्तों, इसका नाम है डेल्टा। क्या है दोस्तों, डेल्टा। और दोस्तों जो 1 है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों, कप्पा। क्या है दोस्तों, कप्पा इसका नाम है। 1 का नाम है कप्पा, 2 का नाम है इंडिया दोस्तों, इसको पक्का ध्यान रखना। और WHO के सदस्य देश कितने दोस्तों, ये है 194 WHO के सदस्य देश हैं। और WHO के CEO कौन दोस्तों, ये अनिल सोनी। कौन दोस्तों, अनिल सोनी जो दोस्तों WHO के CEO है दोस्तों। डेल्टा कप्पा ये जो कोरोना का वेरिएंट दोस्तों इंडिया में पाया गया। ग्रामा जो है दोस्तों, ये कोरोना का वेरिएंट कहाँ पाया गया दोस्तों, ये पाया गया ब्राजील में। बेटा दोस्तों कहाँ पाया गया, ये पाया गया साउथ अफ्रीका में। अल्फा दोस्तों कहाँ पाया गया दोस्तों, ये पाया गया यूनाइटेड किंगडम ने। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं व लड़कियों को निशुल्क सेंटरी पैड वितरण करने हेतु उड़ान योजना की शुरुआत की है दोस्तों। यहाँ पर लड़कियों हो गया गलत, यहाँ पर था दोस्तों लड़कियाँ। क्या है दोस्तों, लड़कियाँ था दोस्तों। ये उड़ान योजना है, उड़ान योजना इससे पहले चलती उड़ान, उसके तहत उड़ेगा देश का नागरिक, ये थी दोस्तों उड़ान। अभी ये जो उड़ान योजना है दोस्तों, इस उड़ान योजना के तहत जो है पंजाब में जितनी भी जरूरतमंद महिलाएं दोस्तों, उनको निशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण होगा दोस्तों। कहां पर है, पंजाब सरकार ने दोस्तों योजना का शुरुआत किया है, और इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को और लड़कियों को दोस्तों निशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण होगा। पंजाब सरकारी दोस्तों कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों। कौन सा, पंजाब। पंजाबी दोस्तों कोवैक्स पहल, जो WHO की पहल दोस्तों कोवैक्स पहल, इसमें पंजाब राज्य ही दोस्तों शामिल हुआ है। इस योजना के तहत गरीब देशों तक टीका पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य है, और उसमें कौन शामिल हो गया दोस्तों, पंजाब शामिल हो गया। पंजाब की और योजना दोस्तों कोविड फतेह, कोविड फतेह योजना किसकी दोस्तों, पंजाब सरकार की है। और अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं दोस्तों। आज मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए भेजा था, आशा करता हूँ कि आप सभी ने उनको सॉल्व कर दिया होगा। जैसे दोस्तों अंकुर योजना कौन से राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चिरंजीवी योजना दोस्तों राजस्थान संबंधित है। महतारी दुलार योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मिशन हौसला योजना दोस्तों उत्तराखंड संबंधित है। प्यार का पौधा योजना दोस्तों बिहार से संबंधित है। घर घर औषधि योजना दोस्तों राजस्थान संबंधित है। दोस्तों बार 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 डेली बता बता के मैं आपको ये करंट अफेयर इतना ईजी बना दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों कि करंट अफेयर कितना एजी। डेली बार बार वही चीज़ें बताऊंगा आपको, बार बार बताऊंगा, उससे आपको ये करंट अफेयर बहुत ही एजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित दोस्तों। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, और ये हाथी के संरक्षण के लिए दोस्तों फेमस है। कहां पर दोस्तों, ये कर्नाटक में। कर्नाटक के कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर दोस्तों BS येदियुरप्पा जो दोस्तों, यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर दोस्तों। दोस्तों नेशनल पार्क से संबंधित अभी कुछ कुछ नेशनल पार्क जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी लिखूंगा नहीं, इसमें बोलते चलूंगा, आप अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखते चलना। केवलादेव नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, ये है राजस्थान में स्थित है दोस्तों।
और पक्षियों की स्वर्ग भूमि इसे कहा जाता है। और दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित? दोस्तों ये है केरल। और दोस्तों पेरियार नदी के किनारे दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दोस्तों ये भी हाथियों के लिए फेमस है। एराविकुलम नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों केरल में स्थित है। मधुमलाई नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों सबसे छोटा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क। दोस्तों कर्नाटक के नेशनल पार्क, मैंने आपको जब कर्नाटक सिखाया तो उसमें बताया था बांदीपुर बंदरघट्टा नागरहोल, दोस्तों ये क्या है? कर्नाटक के नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में है। और दोस्तों कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों। हैमिश नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों, हैमिश नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? लद्दाख में। पिन घाटी नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बेतला नेशनल पार्क दोस्तों झारखंड। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क दोस्तों वेस्ट बंगाल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तैरता हुआ कौन सा दोस्तों? तैरता हुआ नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? मणिपुर में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गेंडों के लिए फेमस दोस्तों असम में। नामदप्पा नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दाचिंगम नेशनल पार्क दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्तों बिहार। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क दोस्तों उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा भाषण चार द्वीप किस देश में स्थित है दोस्तों? इस भाषण चार द्वीप दोस्तों इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो भाषण चार द्वीप दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है दोस्तों। एक्चुअली आपने देखा, आपने सुना होगा म्यांमार से, म्यांमार के रखाइन प्रांत से दोस्तों, म्यांमार के रखाइन प्रांत से जब म्यांमार से इन रोहिंग्याओं को भगाया गया दोस्तों, क्योंकि रोहिंग्या वहां पर अल्पसंख्यक हैं, म्यांमार में ज्यादा से ज्यादा बौद्ध लोग रहते हैं। जब इन रोहिंग्याओं को म्यांमार के रखाइन प्रांत से दोस्तों भगाया, तो वो वहाँ से भागकर पे कहाँ पे गए दोस्तों? ये भागे वहाँ से जाके बैठ गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने इनको कहाँ पर शिफ्ट किया दोस्तों? बांग्लादेश ने इनको भाषण चार द्वीप में शिफ्ट कर दिया दोस्तों। ये तकरीबन 18,000 रोहिंग्या है दोस्तों, ये भाषण चार द्वीप में रहते हैं। और भाषण चार द्वीप दोस्तों समुंदर से सिर्फ कितना? 4 फीट ऊपर दोस्तों। कितना? 4 फीट ऊपर दोस्तों, दोस्तों 6 फीट ऊपर है, मतलब 6 फीट ही समुंदर से ऊपर है। इसीलिए रोहिंग्या दोस्तों वहां पर डरे हुए हैं और ये इन्होंने वहाँ पर आंदोलन चलाए कि इनकी मांग है कि हमें यहाँ से हटाओ और हमें कहीं पर स्थित बांग्लादेश के अंदर हमें जगह दे दो। इस तरह से इन्होंने अभी आंदोलन चलाया दोस्तों और इनकी ज़िंदगी अभी नर्क जैसे इनकी ज़िंदगी बनी है दोस्तों। बोट में यहाँ से वहाँ से यहाँ ये लोग चलते रहते हैं। इनको कोई भी देश इनको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बीते दिनों चर्चा में रही लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये आप देख सकते हो दोस्तों, लिटोरिया मीरा है दोस्तों, ये है मेंढक की प्रजाति दोस्तों। ध्यान रखना किसकी प्रजाति है? मेंढक की प्रजाति है दोस्तों। और दोस्तों ये कहाँ पाई गई? न्यू गिनी दोस्तों। कहाँ पाई गई है? न्यू गिनी में दोस्तों पाई गई न्यू गिनी में दोस्तों ये पाई गई। और दोस्तों कुछ दिन पहले सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की एक प्रजाति दोस्तों पाई गई थी महाराष्ट्र के अंदर अंबोली में। सिस्टूरा हिरण्यकेशी
ये दोस्तों तेजस ठाकरे इन्होंने इसका इसकी खोज की थी, कौन सी, सिस्टोरा हिरण्यकेशी। ये दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद डायनासोर, जो डायनासोर के जो बोन्स दोस्तों मेघालय में मिले दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 1 जून 2021 को किस देश ने अपनी कोरोना वैक्सीन पाकवैक लॉन्च किया दोस्तों। पाकवैक का नाम बोलते दोस्तों उसी में दिया हुआ है पाकिस्तान। किसने दोस्तों, पाकिस्तान ने दोस्तों ये जो पाकवैक वैक्सीन का दोस्तों लॉन्च की है। पाकिस्तान की कैपिटल दोस्तों इस्लामाबाद, वाकई प्रधानमंत्री दोस्तों इमरान खान। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दोस्तों भारत में ने विश्व में आई थी दोस्तों मान्यता प्राप्त वैक्सीन, रूस की वैक्सीन आई दोस्तों स्पुतनिक फाइव। कौन सी दोस्तों, स्पुतनिक फाइव दोस्तों विश्व की सबसे पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है, स्पुतनिक फाइव। उसके बाद दोस्तों जो कोविशील्ड आ गई, कोवैक्सीन जो वैक्सीन आ गई दोस्तों, कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई दोस्तों भारत बायोटेक ने दोस्तों बनाई, कौन सी, कोवैक्सीन। और कोविशील्ड जो वैक्सीन दोस्तों किसने बनाई, ये बनाई सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोस्तों, इन्होंने बनाई कोविशील्ड वैक्सीन। और दोस्तों एक स्पुतनिक लाइट, ये बाकी सभी वैक्सीन के दो दो डोज लेने पड़ते दोस्तों, लेकिन स्पुतनिक लाइट कौन सी दोस्तों, स्पुतनिक लाइट जो है दोस्तों इस वैक्सीन का एक ही सिंगल डोज लेना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा, इसका सिंगल डोज ही लेना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यदि जल्दी कोरोना के ओरिजिन को जल्दी नहीं खोज लिया तो कोविड 26 और कोविड 32 का सामना करने के लिए तैयार है। देखो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको दोस्तों न्यूज़ में पढ़ाया था कि जो प्रेसिडेंट दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट, इन्होंने आदेश दिया है अपने टास्क फोर्स को कि ये जो कोविड कहाँ से, कोविड की उत्पत्ति कहाँ से हो गई इसका पता करना है दोस्तों। क्योंकि जब तक कोविड की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसका ओरिजिन जब तक पता नहीं लगे दोस्तों, तब तक कोविड का खात्मा नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर ये नहीं हुआ तो उनके जो एक्सपर्ट दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट जो है उनका कहना है दोस्तों, किसका, अमेरिका के जो हेल्थ एक्सपर्ट दोस्तों, इनका कहना है कि कोविड 26 और कोविड 32 भी दोस्तों आ सकता है। कोविड 26 और कोविड 32 दोस्तों इसका भी सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता ही है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, चाइना वुहान से हुआ था, लेकिन चाइना वहाँ पर अनुमति देता नहीं है। और दोस्तों इसीलिए अभी जोर शोर से अमेरिका जोर दे रहा है दोस्तों कि इसका ओरिजिन पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।